गुरु जी आगे बेटा वापस कनेक्ट करो, बेटा कनेक्ट करो एक बार, नेटवर्क प्रॉब्लम थी बेटा, दोबारा से ज्वाइन करो सब लोग। गुरु जी आ गया, कह रहे हैं सर, साइलेंट जाओ सब लोग। चलिए बेटा, तो अपन क्या कर रहे थे, आवाज आ रही बेटा अब तक? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। हम लोग क्या कर रहे थे कि सर इस छोटे गोले में कितना आवेश आएगा, सर वही होगा गाउसिय प्रश्न के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेश। क्या कहा सर? इस छोटे गोले में कितना आवेश आएगा सर, वही हमें देखना है। ठीक है, तो क्या है देखो सर, हमें इतना पता है कि सर इस बड़े जो अचालक गोला है, इस बड़े गोले में कितना आवेश है। तो सर बड़े गोले में तो आवेश क्यों है, तो ये है बड़ा आयतन 4/3 πr³। तो इस आयतन में कितना आवेश है, q। तो इकाई आयतन में कितना होगा, q अपॉन 4/3 πr³। अब हमें क्या निकालना है सर, इस छोटे गोले में आवेश। तो देखो छोटे गोले का आयतन कितना है सर, छोटे गोले की त्रिज्या तो कितनी, स्मॉल r है, बड़े की कितनी थी, कैपिटल r। तो उसका आयतन कितना था, 4/3 πr³। अब इस छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो इसका आयतन कितना होगा, 4/3 πr³। तो देखो इस आयतन में कितना आवेश है, q। तो इकाई में कितना आवेश होगा, q अपॉन दिस। तो हमें किसमें चाहिए, 4/3 πr³ आयतन में कितना आवेश होगा। तो सर आप क्या करेंगे, इस q अपॉन 4/3 πR³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 πr³ से मल्टीप्लाई कर। तो ये होगा इस छोटे गोले में आवेश की मात्रा। क्या है, इस छोटे गोले में आवेश की मात्रा होगी। क्या समझ में आया, क्या इस बड़े आयतन में कितना आवेश था, पूरे गोले में कितना आवेश है, क्यू। तो देखो 4/3 πr³ आयतन आवेश कितना है, क्यू है। इकाई आयतन में क्यू अपॉन दिस। और हमें चाहिए छोटे गोले में, छोटे आयतन में किसमें, 4/3 πr³। तो क्या करोगे सर, इकाई आयतन में इतना आवेश है तो इसमें कितना होगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर दी। तो कुल मिला के सिग्मा क्यू का मान कितना आया, तो सिग्मा क्यू का मान ये हमारे पास आ गया है। सिग्मा क्यू का मान अगर हम देखें तो कितना आ गया है सर, ये आ गया है आपका q अपॉन 4/3 πR³। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/3 πr³। क्या बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना। अचालक गोले मैंने बोला था कि इनसाइड जब आप आओगे तब चार लाइन अलग होगी, तो बस वो यही चार लाइन है कि सर इस छोटे गोले में कितना आवेश होगा वो निकालना, बस यही चार लाइन अलग है। बाकी अब सूत्र से जो आप करोगे, सूत्र से कंप्लीट कैलकुलेशन वैसे ही आएगी जो हमने पहले करी है। ठीक है, बस यही है सिग्मा क्यू का मान निकालना, सिग्मा क्यू का मान निकालना, बस यही चार लाइन अचालक गोले में अलग है। बाकी गोली को चालक गोला, अचालक गोला 100% कॉमन है। ठीक है, तो देख क्या बताया कि सर इस बड़े गोले में कितना आवेश था, क्यू। इस बड़े आयतन में आवेश कितना है, क्यू। तो इकाई में कितना होगा, क्यू अपॉन दिस। और हमें क्या चाहिए, छोटे गोले में, छोटे आयतन में। तो छोटे आयतन में कितना आवेश होगा सर, इसको मल्टीप्लाई किया इससे। तो ठीक है, ये हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो अब इसको थोड़ा कैंसिल करो, कितना क्या कैंसिल कर सकते हो बताओ। देखो क्या क्या कट रहा है, तो आप देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो सिग्मा क्यू का मान कितना आएगा सर, सिग्मा क्यू का जो मान हमारे पास आएगा, सिग्मा क्यू का मान जो हमारे पास आएगा सर, वो आएगा क्यू। ठीक है, ये आएगा q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल r क्यूब। ठीक है, क्या आएगा, q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल r क्यूब, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब सिग्मा q का मान निकाल लिया, अब समीकरण 2 से मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से मान रख, इसमें रखना है समीकरण 1 में रखना, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई इक्विवेलेंट, किसका मान लिखोगे, सिग्मा क्यू का। तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1/ε₀, और इनटू में किसका मान रख रहे हो, सिग्मा क्यू का। तो कितना है, क्यू, ये है आपका सर
Q small r cube upon capital R cube. ये हमने इस तरह से किया। अब देखो क्या है, ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो ये लो, हमने गाउसिय नियम से तो निकाल भी लिया। इस गाउसिय प्रश से निकलने वाला फ्लक्स किससे निकला? गाउसिय नियम से। सर कितना आएगा? सर phi बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे अब किसका मान चाहिए? सिग्मा q का। तो परिबद्ध आवेश कितना है सर? निकाल लिया आपने ये रहा, ठीक है। फिर समीकरण 2 से उठा के मान समीकरण 1 में रखा मान। तो सर निर्गत फ्लक्स हमने किस नियम से निकाल लिया, अब किससे निकाला? सर सूत्र से निकाले। तो सूत्र के लिए तो फिर आपको वही क्या चुनना पड़ेगा सर? सर गाउसिय प्रश पर एक छोटा सा अल्पांश चुनेंगे, गाउसिय प्रश पर एक छोटा सा अल्पांश चुनेंगे, तो उस अल्पांश डीए से निर्गत फ्लक्स किससे सूत्रानुसार? तो हम बोलेंगे अल्पांश डीए से निर्गत फ्लक्स, इस अल्पांश डीए से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा सर? डी फाइव बराबर कितना आएगा सर? ये आएगा ई डॉट डी ए। तो सर ये तो अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स है सर, हमें तो पूरा फ्लक्स चाहिए। तो बताया था अल्पांश के लिए निकाल लो और क्या कर दो? समाकलन। अल्पांश के लिए निकाल लिया और क्या कर दीजिए? समाकलन। तो क्या होगा सर? पूरे गाउसिय प्रश से निकलने वाला फ्लक्स आएगा। तो हम बोलेंगे सर संपूर्ण गाउसिय प्रश से निर्गत फ्लक्स क्या होगा सर? समाकलन कर दो सर इसका। तो ये लो सर समाकलो आप ई डॉट डी, क्या आएगा सर? समाकलो ई डॉट डी। तो आप देखो जो बाद वाला पोर्शन है वो तो कॉमन ही है। कैसे सर? सर देखो क्या किया सर, सूत्र से कैसे निकाला सर? यहाँ पर एक अल्पांश चुन लिया डीए, तो सर अल्पांश से निकल प्लस कितना होगा? डी फाइव ई डॉट डीए। सर ये तो अल्पांश से निकला फ्लक्स, अब क्या पूरे से निकालना है? तो क्या होगा? समाकलन कर दो। फिर क्या आएगा सर? ई डॉट डीए, तो क्या आएगा? ई डीए कॉस थीटा। फिर थीटा क्या होगा सर? यहाँ पे थीटा कितना होगा? जीरो। बोलेंगे ई और डीए, देखो ई भी इस दिशा में है और डीए भी आपको इसी दिशा में, दो तीन बार बता दिए बेटा, ई डीए क्या है सर? एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना आएगा? जीरो। तो ई डीए कोस जीरो, कोस जीरो कितना होता है? वन। फिर ई डीए और E क्या है? कांस्टेंट। तो क्या होगा? समाकलन के बाहर जाएगा और डीए कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो एज इट इज वही करना है। तो मैंने पहले बताया था कि एच अलग गोले के जब आप इनसाइड आओगे तो सर थोड़ा सा चेंज किया है सर, सिग्मा क्यू का मान निकाल, सिग्मा क्यू का मान निकालना, बस यही चार लाइन अलग होगी, बाकी सारा कॉमन है। अब सूत्र से पूरा कर ही रहे हो, बताओ कितना आएगा? ई डॉट डी ए है तो कितना आएगा सर? ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। क्या जाएगा सर? ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है सर? जीरो है। थीटा कितना है? जीरो है। तो बोलोगे सर ई और डी ए एक ही दिशा में, ई और डी ए त्रिज्यीय दिशा में है, तो थीटा कितना होगा? एक ही दिशा, थीटा कितना होगा? जीरो। तो हेयर थीटा विल बी जीरो। अब आप यहां से काम करें तो थीटा जीरो डालें तो कितना आने वाला सर? फाइव बराबर कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? ई डी ए इंटू में क्या आएगा? कोस जीरो। बट कोस जीरो कितना होता है? वन होता है सर। तो ये वन चला गया, तो फाइव बराबर कितना आया? तो आया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। और बता दिया मैंने कि ई का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और जो राशि कांस्टेंट होती है उसे समाकलन के बाहर लेकर चले जाते हैं। तो बोलोगे हेयर, बोलना संपूर्ण गाउसिय प्रश के लिए ई का मान क्या है? कांस्टेंट है। तो ई को हम बाहर लेके गए और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? डी ए। अब बताओ डी ए कौन है सर? डी ए है इस गाउसिय प्रश पर चुना गया छोटा सा अल्पांश। डीए क्या है सर? इस गाउसिय प्रश पर चुने गए छोटे से अल्पांश का एरिया है सर। पर सर हमें इस पे तो समाकलन लगा हुआ है, तो समाकलन क्या करता है सर? इन छोटे छोटे अल्पांशों को क्या करेगा? जोड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? संपूर्ण गाउसिय प्रश, या ऐसे बोलो संपूर्ण गाउसिय प्रश का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना आएगा ई डॉट? कितना आएगा सर? ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल या स्मॉल आर। तो आप देखो किस पर है सर? छोटे गोले के ऊपर है, गाउसिय प्रश छोटा है, तो कितनी त्रिज्या? स्मॉल आर। तो कितना आएगा? तो ये आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 5। समीकरण नंबर चार। तो क्या किया सर? सिंपल है सर, सर वही मेथड बताया सर आपने, इस मेथड को हमने अभी तक एक ही मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं सर। गाउसिय प्रश से निर्गत फ्लक्स निकाल रहे, गाउसिय प्रश से क्या कर रहे सर? निर्गत फ्लक्स निकाल रहे सर। कैसे सर? एक बार गाउसिय नियम से फ्लक्स निकालोगे, फिर सूत्र से फ्लक्स निकालो, और फिर आपस में क्या कर दो? बराबर। फिर आपस में क्या कर दो? बराबर। तो अब देखो बराबर करना है, क्या करना है सर? अब समीकरण 3 और 4 को क्या कर दो? बराबर कर दो। तो किसका मान आएगा सर? तीव्रता का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा बेटा? तीव्रता का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से कहां पे है सर? ये नहीं, किसका मान निकल रहा है? फाई का। समीकरण 4 सर ये रहा, किसका मान निकल रहा है? फाई का। दोनों ही फ्लक्स है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। लिख दो समीकरण 3 और 4 सर।
समीकरण तीन व चार से, समीकरण तीन व चार से ठीक है। तो देखो क्या है, yes, समीकरण तीन और चार से देखिए आप क्या है, आप देखिए समीकरण तीन व चार से क्या होगा सर, बराबर करिए तो ये आएगा सर e डॉट फोर पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर e डॉट फोर पाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा सर, ये है आपका कितना है सर, ये है वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या था सर, ये है q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल r क्यूब, क्या यही है क्या? अब बताओ किसका मान चाहिए, e का, इसका मान चाहिए e का, तो 4 पाई स्क्वायर का भाग दे दो, डिवाइड करो, तो बोलो e इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, e इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और इनटू में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कौन है सर, डिवाइड करो पूरा तो भाग आ गया, तो कितना है q अपॉन स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल r क्यूब, ठीक है q अपॉन स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल r क्यूब यही है ना, तो कितना आएगा सर, आर स्क्वायर से क्या होगा आर क्यूब कैंसिल होगा, तो सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक आर बचेगा, एक स्मॉल आर बचेगा ठीक है, तो स्मॉल आर बच गया और कौन है सर, कैपिटल आर क्यूब है आपका, तो ई इक्विवेलेंट कितना आया सर, ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है वन अपॉन फोर पाई, देखो ये कौन है एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कौन है सर q अपॉन कैपिटल r क्यूब और साथ में कौन है स्मॉल r, साथ में कौन है स्मॉल r है ठीक है, तो आप बताओ ये कौन होता है सर, हम जानते हैं ये तो k होता है, k का मान कितना है सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं k लिख दो, क्या लिखो इसको k, तो e इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा k q अपॉन कैपिटल r क्यूब और साथ में कौन है स्मॉल r, तो ये लो हमने अचालक गोले के अंदर तीव्रता निकाल भी ली, पर देखो मेथड कोई चेंज नहीं अभी तक, क्या करना है सर वही गाउसियन निकल गाउसियन प्रेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालना होता है, गाउसियन प्रेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालना होता है सर, कैसे निकालोगे सर, एक बार निकालते हैं नियम से, दूसरी बार निकालेंगे सूत्र से और फिर क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्या आ जाएगी तीव्रता, तो देखो हमने अचालक गोले के अंदर तीव्रता का मान निकाल भी लिया, निकाल लिया क्या, अब आप देखो कि सर अचालक गोले के अंदर, अब आप अगर हम तीनों देखें कि सर अचालक गोले के बाहर तीव्रता कितनी आई, तो सर अचालक गोले के बाहर की बात करें मतलब r ग्रेटर कैपिटल r से, तो सर यहाँ पे जो तीव्रता आई सर वो कितनी थी k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं सर जो बाहर है सर वो तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात अचालक गोले के बाहर अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे दूरी बढ़ाओगे तीव्रता में क्या होगी कमी, तीव्रता में क्या होगी कमी। दूसरा सर पृष्ठ पे क्या था सर, पृष्ठ पे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल r होता है, तो सर पृष्ठ पे तीव्रता कितनी आएगी सर, ये आएगा kq अपॉन ठीक है कैपिटल r स्क्वायर, जो क्या है सर कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। अब सर अंदर अभी अभी निकाली आपने सर, अंदर क्या था स्मॉल r से कैपिटल r में क्या आया सर, इसमें आपने देखा कि e बराबर कितना है सर, ये है kq अपॉन कैपिटल r क्यूब और स्मॉल r, तो आप देखो इनसाइड क्या देख रहे हो सर, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल r, अर्थात अचालक गोले के अंदर जो तीव्रता है सर वो दूरी के क्या है समानुपाती है, अर्थात अचालक गोले के अंदर अगर दूरी बढ़ाओगे तीव्रता में क्या होगी बढ़ेगी और दूरी कम करोगे तो तीव्रता क्या होगी कम, तो देखो अचालक गोले के अंदर तीव्रता हमें मिलेगी, जबकि हमने गोलीय कोष और चालक गोले में क्या देखा था सर, गोलीय कोष और चालक गोले में जो तीव्रता होती है सर वो इनसाइड क्या होती है जीरो होती, देखो बाहर तो संबंध वही है दूरी बढ़ने पे तीव्रता कम होगी बाहर, पृष्ठ पे क्या होता है नियत और अंदर क्या होगा सर, अंदर वहां दोनों गोले कोष और चालक गोले में तीव्रता क्या होती है जीरो, जबकि अचालक में तीव्रता जीरो नहीं होती है, और क्या संबंध होता है ई समानुपाती स्मॉल आर, अर्थात अचालक गोले के केंद्र से अंदर दूर जाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी और दूरी कम तो तीव्रता क्या होगी कम होगी, तो हम इसका आरेख भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा आरेख भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमने आरेख ड्रॉ कर रखा है सर, किसका किया गोलीय कोष का, और किसका किया बताओ बोलिए किसका किया था चालक गोले का, तो क्या तीनों संबंध हमने लिख दिए क्या बताइए, ये तीनों संबंध हमने लिख दिए हैं, तो आप आरेख भी बना सकते हो सर, कैसे सर, ये है आपका कौन अचालक गोला,